हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। दिस इज दिवेन गोगोई। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे आज क्रूड ऑयल क्या हो सकता है उसका ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल, और आज क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 3670, फर्स्ट रेजिस्टेंस 3759 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस 3912 and the third resistance 4001 and the first support 3517, second support 3428 and the third support 3275। तो आप देख सकते हैं डेली कंटिन्यूअस मार्केट नीचे आ रहा है आफ्टर ब्रेकिंग दिस 200 मूविंग एवरेज, सो कंटिन्यूअस आ रहा है। लेकिन आप अगर यहाँ पे सपोर्टिंग जोन देखेंगे तो हम पहले वीकली चार्ट में देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में हमें एक सपोर्टिंग रेंज मिला, तो वहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 200 मूविंग एवरेज के आसपास, तो 3467 ये हमें एक सपोर्टिंग रेंज मिला। तो ये सपोर्टिंग रेंज क्यों मैंने इसको लिया, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको दिखाऊं। तो पहले आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया था, राइट, यहाँ से नीचे आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ओके, रेड ग्रीन, स्काई ब्लू, सोलो ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, राइट, तो यहाँ से मार्केट एक नीचे आ गया फिर से, यहाँ पे क्या बना एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बाद में फिर से मार्केट गया ऊपर, नीचे आ गया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, उसका बाद ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे और नीचे आ गया, सपोर्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक नेक्स्ट, फिर से गया ब्रेकआउट किया, फिर से ऊपर गया और एक रेजिस्टेंस बना, ठीक है। तो बाद में और एक अप किया था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, तो मैंने क्या किया, ये जो हायर पॉइंट है ये हायर पॉइंट को कनेक्ट करके एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक क्या मिला मुझे, एक सपोर्टिंग जोन वीकली में, राइट। तो यहाँ पे कहाँ मिला, 3467 में एक हमें सपोर्टिंग जोन मिल गया, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया एज अ सपोर्टिंग लाइन, जो 200 मूविंग एवरेज भी टच किया हुआ है यहाँ पे, तो एक सपोर्टिंग लाइन लिया, तो एक मैंने एक सपोर्ट रेंज दिया, राइट। तो अभी हम देखेंगे डेली में, तो डेली में कहाँ में मिला हमें, अराउंड 200 पॉइंट नीचे एक सपोर्टिंग, मुझे लगता है यहाँ तक आने का चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो हम अगर सेल लेंगे तो ये 3467 तक ही सेल लेंगे, राइट। तो अभी देखिए आप फोर आवर में मार्केट कंटिन्यूस ये एक डाउन ट्रेंड प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात देख सकते हैं, यहाँ जो फोर आवर में देख सकते हैं, ये मैंने लिया 20 मूविंग एवरेज, ये जो है 20 मूविंग एवरेज, तो इसको 20 मूविंग एवरेज फॉलो करके ये बाउंस बैक हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बाउंस बैक। तो यहाँ से आप देख सकते 20 मूविंग एवरेज से गया मार्केट, 20 मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट नीचे आ गया, 20 मूविंग एवरेज नीचे, 20 मूविंग नीचे, राइट। एक 20 मूविंग एवरेज से एक बाउंस बैक हो रहा है, राइट, ये 20 मूविंग एवरेज से बाउंस बैक हो रहा है, तो ये बाउंस बैक ट्रेडिंग बोलते हैं, जो 20 मूविंग एवरेज यहाँ से लोअर लो बना रहा है और हायर लो बना के आ रहा है, और बाद में एक रेंज फॉर्म करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है लास्ट रेंज ये है, राइट, 3467 ये लास्ट रेंज है, तो हमें सेल करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3467 तक ही लेना है, उसके बाद हम सेल करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो सपोर्ट होता है सपोर्ट की रेंज में आपको सेल नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें बाय जाएंगे अगर हमें बाय सिग्नल मिले तो, ओके तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट में, तो आप 15 मिनट में देख सकते हैं कंटिन्यूअस 15 मिनट में ये सपोर्टिंग रेंज बना, ये रेजिस्टेंस रेंज बना के आ रहा है 100 मूविंग एवरेज। तो आपको अभी बाय करना कहाँ करना है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 200 पॉइंट और नीचे आने वाला है, तो इसलिए आप सेल में ही रहना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे 200 पॉइंट यहाँ पे यहाँ तक ऑलमोस्ट 200 नहीं 150 पॉइंट और नीचे आने का चांसेस, ये ब्रेकआउट करने के बाद अभी
मार्केट साइडवे में चल रहा है ये, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ बाउंस हुआ, 50 मूविंग 20 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से फिर से बाउंस होगा। इसको ब्रेकआउट करने के बाद आप सेल के लिए ये यहाँ से 150 पॉइंट के लिए आप सेल ले सकता है, राइट, 150 पॉइंट। तो यहाँ पे 50 पॉइंट के लिए सेल लेना चाहिए, सेल ले सकता है। तो ये जो जोन आएगा जैसे 3467, यहाँ से आपको बाय स्टार्ट करना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ से बाय हो सकता है। तो लेकिन बाय कहाँ से लेंगे, आप कैसे कंफर्म करेंगे क्या हमें बाय लेना है, तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, आप थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसमें थोड़ा, हाँ मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं ये 20 मूविंग एवरेज, राइट, 20 मूविंग एवरेज अगर इसे आ रहा है और बाद में जब 5 मूविंग एवरेज, ये जो है 5 मूविंग एवरेज, तो 5 मूविंग एवरेज अगर इसको क्रॉस करे, राइट, तो अगर जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म होगा, राइट, एक कैंडल ऊपर की तरफ आएगा, तो उसको ऊपर में थोड़ा आपको बाय एंट्री करना चाहिए कहाँ पे, ओके यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। तो मार्केट नीचे आ जाएगा जैसे 20 मूविंग एवरेज ऐसे आता रहेगा और ये मार्केट प्राइस नीचे ऐसे आता रहेगा, राइट, तो आके यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न भी फॉर्म देख सकता है, क्या कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होगा, ये जो सपोर्टिंग रेंज है, ठीक है, अराउंड 3465, ऊपर में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो सपोर्टिंग रेंज जो वीकली ले हमने लिया ना, ये 20 मूविंग एवरेज ऐसे रहेगा, तो बाद में ये क्या होगा, 5 मूविंग एवरेज भी साथ में आता रहेगा, तो बाद में ये क्रॉस ओवर करेगा किसको, 20 को 5 ने, राइट, यहाँ पे क्रॉस ओवर करेंगे और कैंडल उसका ऊपर में आप बाय जा सकता है, तो 200 के आसपास के लिए, राइट, ये और साथ में ये स्टॉक स्टिक भी ये 220 लेवल के ऊपर में एक क्रॉस होना चाहिए और CCI भी आपको फिर से ऊपर की तरफ जाने का चांसेस आएगा, तो यहाँ पे आप बाय जा सकता है, ठीक है। So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.